विकसित देशों में लोग मीडिया का प्रयोग सूचना लेने के लिए करते हैं, अविकसित देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे हम लोग हैं, लोग मीडिया का प्रयोग ओपिनियन बनाने के लिए करते हैं। और ये मीडिया, यही वजह है कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस घराने बना लिए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, और वो लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, सीधे नहीं कर रहे हैं। हमारी ओपिनियन मैकर के रूप में आते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं, मीडिया में बार बार उस चीज़ को दिखाते हैं और हमारी बुद्धि पर कब्जा करके, हमारी सोच को बदल करके, हमारे सोचने के ढंग को बदल करके हमारी राजनीतिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। और ये संदेश दे देते हैं इन शासकों को, इन नेताओं को, कि अगर मेरी नहीं मानोगे तो मैं जनता की ओपिनियन को बदल दूंगा। और ये बेचारे नेता मारे डर के उनकी बात को मानते हैं, पर्दे के पीछे समझौता करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं। हमको आपको 200 रुपए की छूट नहीं मिल सकती, उनको 2-2 हजार 15-15 हजार करोड़ के लोन माफ होते हैं, 60 लोन मिलते हैं, तो उसमें भी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है, इसमें मेरे कुछ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, मोबाइल फोन का प्रयोग केवल ये न करने के लिए करिए, सोशल मीडिया अपने हाथ में करिए, सारी चीज की रिकवरी करिए। आप अपना अकाउंट यूट्यूब पर बना सकते हैं, अपना ब्लॉग चला सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लोड करिए, ओपिनियन मेकर का काम करिए। ठीक है, हम कमजोर हैं, सोशल मीडिया में उतने प्रभावी नहीं होंगे, उस मीडिया का सामना नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो कम से कम पढ़े लेके नौजवान साथियों की ओपिनियन को बढ़ाने में हम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस मनवादी शोषक और पूंजीपतियों के मीडिया से लड़ने का हमारे पास आज की तारीख में एक ही हथियार है, वो है सोशल मीडिया। और मैं चाहूंगा कि इस पे भी अगर आयोजन किया जाए कोई गोष्ठी और सेमिनार, तो इसमें एक्सपर्ट बुलाए जाएं और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए।